सीएटीयू करे पुकार, लाल झंडा करे पुकार, लाल झंडा करे पुकार, लाल झंडा करे पुकार, हमारे मांग पूरा करो, हमारे मांग पूरा करो, ताल बहाना नहीं चलेगा, कॉन्ट्रैक्टरों से घूस खाना बंद करो, कॉन्ट्रैक्टर से घूस खाना बंद करो, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में गुलामी करवाना बंद करो। एक्वास्टार नहीं है क्या? घर आइए एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट, एक्वास्टार। नमस्कार, न्यूज आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं पीबीएमसी हेडक्वार्टर के सामने। आज यहां पर जो है सीआईटीयू द्वारा जो है एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसे लीड कर रहे हैं सीआईटीयू के जनरल सेक्रेटरी चंद्रचूरण जी। और इनका मुद्दा ये है कि जॉब सिक्योरिटी फॉर ऑल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, एबोलिश कॉन्ट्रैक्ट राज फ्रॉम फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, इक्वल वेज एंड बेनिफिट्स फॉर इक्वल वर्क, रेगुलराइज ऑल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। तो आइए इसी विषय में हमारे साथ है सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी साहब, इनसे हम जानते हैं कि आखिर क्यों जितने भी लोग हैं हमारे भाई बहन वो लोग जो है सड़क पर उतरे हैं, और कब से जो है इन लोग इन सब कठिनाइयों का जो है सामना करना पड़ रहा है इसे। तो आइए सर से हम बात करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। आज का दिन जो है ऑल इंडिया में डिमांड्स डे है, जो डिमांड्स डे हमारा सीआईटीयू सेंटर और सारे ट्रेड यूनियन मिलके हम लोग के फैसला किया था, पूरा देश पैमाने पर ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को जो जॉब सिक्योरिटी को लेके ये लड़ाई को जारी रखना है। उसके लिए हम लोग जो है ये जो प्रोग्राम का आयोजन किया है, आपको मालूम होगा जो जॉब सिक्योरिटी सबसे पहले इशू है, जॉब सिक्योरिटी। आपको मालूम है अंडमान में जो इशू हुआ है, जो एयरपोर्ट के अंदर में कॉन्ट्रैक्टर बदली हो गया, जो मजदूर को नौकरी से निकाल दिया, वो मजदूर जो है रास्ता में बैठ के तड़पता है, उनको जो जॉब सिक्योरिटी नहीं है, एक कॉन्ट्रैक्टर बदलेगा उनका नौकरी चले जाता है। और सारा जगह में जो है जो कॉन्ट्रैक्ट जो चलता है वो कॉन्ट्रैक्टर को जो खत्म से पीरियड ख़त्म हो जाएगा, उनको जो है वो नौकरी भी ख़त्म हो जाता है। ये पूरा देश का कानून का खिलाफ है। क्यों बोलने से जो देश का जनता को हमारा जो सारा साल जीना है, हमारा नौकरी अगर एक साल दो साल करके हम वापस कहाँ जाएगा? अंडमान में कोई नौकरी मिलने का कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। परमानेंट नौकरी नहीं होने से भी हम जो काम करता था उसको तो कंटिन्यू करना है हमको। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आएगा हमारा जारी हमको जो है कंटिन्यू रहना है, यही सबसे बड़ा जॉब सिक्योरिटी होना, वो चाहे सरकार में हो चाहे कॉन्ट्रैक्टर के पास हो, जो प्राइवेट दुकान में हो, कोई भी जगह में हम नौकरी करेगा मेरा 60 उम्र तक काम करने का अधिकार हमको मिलना चाहिए, यही सबसे बड़ा जो इशू है। और दूसरा जो है इक्वल पे और इक्वल वर्क, ये तो सारा दुनिया माना वाला है, हमारा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जो वर्कर को जो काम करने से इक्वल पे मिलना है। आप थोड़ा से ये जाके पूछिए, यहाँ मिनिमम वेजेस फिक्स किया है, मिनिमम वेजेस जो है कोई भी दुकानदार में काम करने वाला मजदूर को नहीं मिलता है। हजारों मजदूर होटल में और इधर में जो दुकान में काम करता है उनको मिनिमम वेजेस नहीं मिलता, दूसरा का बराबर तंगा नहीं मिलता। तो इस विषय पर लेबर कमिश्नर क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? वो लोग जो हमारा जहाँ तक जानकारी है उनको कुछ मिलता है, इसलिए वो बाहर निकलता नहीं। ये लेबर डिपार्टमेंट का काम है, मिनिमम वेजेस जो फिक्स किया है वो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में जो आता है उन सबको जो है ये मिनिमम वेजेस से लेस देन मिनिमम वेजेस पेमेंट नहीं कर सकता है। दुकान में कोई जगह भी आप मिनिमम वेजेस नहीं देता है। और हमारा जो तीसरा जो डिमांड है ये जो रेगुलराइजेशन ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट, हम कॉन्ट्रैक्ट हो हमारा नौकरी परमानेंट नहीं है, फिक्स टाइम नौकरी हो तभी हमको रेगुलर नौकरी होना है।
हमको हमेशा जीना है, हमको रेशन हर महीना लेना है, तो हम कहाँ जाके लेगा अगर नौकरी नहीं होने से। इसीलिए हमारा नौकरी जो है पक्का, जो हर साल में हर दिन में जो हमारा नौकरी होना, नहीं होने से हमको जीने नहीं सकेगा। इसीलिए हम लोग जो CIQ से ये डिसीजन लिया, आप मेलान में जाइए, जो रेलवे में लाखों तादाद में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है, जो सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आउटसोर्सिंग करता है, जो आउटसोर्सिंग का मतलब उनका नौकरी सिक्योरिटी नहीं है, तो इसीलिए हम लोग जो बोलता है जो आउटसोर्सिंग बंद करो, ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बंद करो, जो डेली रेटेड मजदूर को भी रेगुलर करो, ये डिमांड हम लोग इसलिए करता है। हमारा यही बोलना है, सरकार को इसके लिए कानून बनाना चाहिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आएगा उनका नौकरी जो कंटिन्यू रहना है, और कॉन्ट्रैक्टर आने से नौकरी से निकालना गलत है। इसलिए ये CIQ का तरफ से जो हम लोग आज का प्रोग्राम यहाँ पर किया, तो डिमांड्स डे ऑल इंडिया में करता है, जो ये अंडमान में भी हम लोग जो किया है, तो आप सबको धन्यवाद जो कम से कम इसको कवरेज किया है, जो आने वाला दिन में इस लड़ाई बहुत तेजी से आगे बढ़ाने का डिसीजन हम लोग लिया है पूरा देश के अंदर में, जो रेलवे एम्प्लॉइज को और दूसरा जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला हो, कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम करने वाला, सबको लेके आगे बढ़ने का कोशिश करेगा। इंप्रॉप से दावा। तो जैसा जो है CITU के जनरल सेक्रेटरी चंद्रचूरन सर ने हमें काफ़ी कुछ इसके बारे में बताया है, आज जिस के लिए जो है धरना प्रदर्शन यहाँ पर रखा गया है, और जैसा आप हमारे विजुअल्स में देख सकते हैं पीछे काफ़ी लोग हैं, यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, तो देखिए मुद्दा जो है हर किसी का है, और लोग जो है अपनी फाइट खुद लड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं, जिनका समर्थन जो है CITU कर रहे हैं। तो इसी के साथ ही मैं रोहित कैमरन विजय के साथ न्यूज़ आप तक, धन्यवाद।